सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें कर। चलिए मैं पूछ, अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया अनुराग मुस्कान जी, या भद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आप मुंह नहीं जानते क्या मतलब कैसे हो गया, बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर, बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ बैंकॉक के लिए, क्या कहा गया बैंकॉक अभद्र पे? क्यों बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? आइए ना जरा, बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? बॉडी मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। गजब है यार, आप लोगों को जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं नहीं, नहीं, अगर आपको ऐसा ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है क्या, दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया। क्या बोला, बैंकॉक नहीं गए राहुल जी? बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे पत्रकार अनुराग मुस्कान ने कांग्रेस के आलोक शर्मा को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि आलोक शर्मा सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अपने मन से ही कुछ भी बोले जा रहे थे, जिस पर शहजाद पूनावाला ने इसे टोक दिया तो यह शहजाद पूनावाला पर ही भड़क गया। इसी बात पर अनुराग मुस्कान ने जब इससे राहुल गांधी के बारे में सवाल किया तो यह भड़क गया और चिल्लाने लगा कि आप लोग गोदी मीडिया हैं, आप लोग सिर्फ मोदी मोदी करते हैं। इसी बात पर यह अपनी बेइज्जती कराया है आज के डिबेट। वीडियो आपको अच्छा लगेगा इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे करते हैं, आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं। भाई आलोक शर्मा जी, सबसे ज्यादा विरोध की आवाजें कांग्रेस से उठ रही हैं प्रधानमंत्री की साधना को लेकर के। इस साधना में गड़बड़ी नजर आ रही है। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि भाई साधु संत अकेले जाते थे, तो प्रधानमंत्री कौन सा कुनबा लेकर जा रहे हैं? और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साधना में गरिमा नहीं है। अब साधना में गरिमा नहीं है का क्या मतलब है, यह भी बताइएगा। और दिक्कत क्या है साधना से? क्या आपको लगता है कि साधना का उन्हें फल मिल रहा है? 2014 में भी मिला, 19 में भी मिला, और अब इसी बात का आपको डर हो कि 2024 में भी यह फल ना मिल जाए? यह पहली बार नहीं है कि राजनीतिक नौटंकी पहली बार हो रही है। ये पहली, ये कोई साधना नहीं है, ये शूटिंग है। और देश की जनता साधना और शूटिंग में फर्क समझ गई है कि आप जनता को गुमराह करने के तो आलोक जी जनता को खारिज करने देते ना इसे। चुनाव प्रचार आप साधना को नौटंकी बताकर आपको नहीं लग रहा फिर सनातन पर हमले के दोषी बनने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब फिर बीजेपी को लगेगा कि आप साधना को नौटंकी बता रहे हैं तो आप सनातन पर हमला कर रहे हैं, हिंदू धर्म पर हमला कर रहे हैं? यही तो तीर है उनके पास। अनुराग जी, मैंने कहा राजनीतिक नौटंकी है, मैं अपने शब्दों पर खड़ा उतरा। अच्छा, ठीक। और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत हमें गोदी मीडिया से, जो गोदी मीडिया उनका परिवार बन के कैमरे लेके वहां जाएगा। हाँ। और जो लाइव प्रसारण करेगा उससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। क्योंकि गोदी मीडिया ने पिछले 10 वर्षों से मोदी जी का मदद करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कोई कसर नहीं छोड़ी है। इससे सबसे ज्यादा दिक्कत हमें यह है, मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा, एक बात है आलोक शर्मा जी, आपके इस गोदी मीडिया वाले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आलोक जी, मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाऊंगा कि जिस मीडिया को भी आप जिस नाम से भी बुलाएं और उसमें जिस चैनल को भी आप शामिल करें, जिस अखबार को भी शामिल करें, उन सभी चैनल्स ने, मैं किसी को गोदी मीडिया या नॉन गोदी मीडिया नहीं कह रहा, मैं सभी मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया ने जब राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था वो खबर भी पूरे दिन दिखाई थी। जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो यही मीडिया राहुल गांधी को मंदिर जाते हुए भी दिखाता है। जब आपकी प्रियंका जी आचमन करती हैं गंगा में तो मीडिया दिनभर उनके आचमन की खबरें भी दिखाता है। मैंने आपको, लेकिन जब पीएम की साधना मीडिया दिखा रहा है तो गोदी मीडिया हो गया सर। मतलब ये कैसे, मतलब ये चॉइस चलेगी क्या? मैं कह रहा हूं, मैं फिर कहूंगा हाँ। मैंने आपको गोदी मीडिया नहीं कहा, लेकिन नहीं, आप सफाई देने मैंने अपने ऊपर लिया भी नहीं और हम हैं भी नहीं। अरे सुने ना भाई, मैं ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूं। सुने ना जरा, आप तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हो भाई। सुने, बहुत लंबे कई बार, अरे आलोक जी मजेदार बात यह है कि कई बार क्या होता है कि मैं कांग्रेस की कोई चुप हो जाता हूँ भाई, विपक्ष कांग्रेस का भी मेरे को काम करते हैं, लोग मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी कहते हैं। भाई मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही बोल लीजिए। नहीं नहीं, आपने मेरे ऊपर सवाल उठाया सर, तो मेरा बोलना जरूरी है। दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह कितनी बार आप मुझे इंटरप्ट किया। मैं आपको याद नहीं दिला रहा हूं कि राहुल गांधी को जब मंदिर के बाहर बिठाया गया था उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, वो भी मीडिया ने दिखाया था। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बता रहा हूं कि प्रियंका ने जब गंगा में आचरण किया था वो दिखाया गया था। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं तो ये मीडिया दिखाता है, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, ये मैं मीडिया कर्मी होने की हैसियत से आपको बता रहा हूं। आलोक जी आरोप लगा रहे हैं शहजाद पूनावाला कि ये राजनीतिक नौटंकी है, इन्हें साधना में राजनीतिक नौटंकी नजर आ रही है। अब कोई हिंदू सनातनी अपनी साधना करने जाए तो उस पर भी कांग्रेस प्रतिबंध लगाना चाहती है। मतलब कांग्रेस पार्टी को हो क्या चुका है? क्या विवेकानंद जी की रॉक मेमोरियल पर जाना क्या ये राजनीतिक इवेंट है? क्या प्रचार प्रसार हो रहा है? क्या वोट मांगने जा रहे हैं? या वहां पर अब अनुराग जी के मुंह में दही जम जाए? एक सेकंड, मैं बीच में हर दो सेंटेंस के बाद अनुराग जी टोक रहे हैं। नहीं बोला,
नहीं दुर्भाग्यपूर्ण है अनुराग जी, और इसीलिए हम आप लोगों को गोदी मीडिया कहते हैं। आप इतनी देर बोलते रहे, मैंने तो आपको भी नहीं टोका, आप हर दो सेंटेंस के बाद आपने बीच में टोका। अरे नहीं सर, आप ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको इतने गंभीर विषय पर भी आपको टोका नहीं, आपने मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बताया तो आपत्ति दर्ज कराई थी, क्या वो भी नहीं कराऊंगा सर? नहीं, मैंने कहा कि आप बहस बीजेपी के प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं। और सुनिए आलोक शर्मा जी, क्योंकि आपने चार बार टोका, मैंने पांचवी बार बोला। आलोक शर्मा जी सुनिए मेरी बात, और अगर आपको मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मीडिया ने राहुल गांधी की मटन पार्टी भी दिखाई है, मटन खाने के बजाय वो मंदिर जाते तो वो भी मीडिया दिखाता। क्या दिखाया है मीडिया ने, वो पूरा देश देख रहा है। मैं केवल ये कह रहा हूँ, और अगर जनता को ही तय करना है तो आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? मीडिया में मोदी की तस्वीरें नहीं चलती हैं, नहीं, नहीं, राहुल गांधी जो करते हैं वहाँ पर भी मीडिया के कैमरे होते हैं। क्यों भाई, शहजाद पूनावाला ने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कहा, मैं उनको क्यों रोकूं बीच में, मैं उनको बीच में क्यों रोकूं बताइए आलोक शर्मा जी, है ना? उनको अपनी बात रखने देते हैं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको आपत्ति हो उनकी बात पूरी करने पर, आप अपनी बात रखिएगा। शहजाद पूनावाला बोलिए। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, परंतु चलिए, मेडिटेशन करने का असर यही होता है। अगर बैंकॉक जाते हैं तो फिर मेडिटेशन नहीं कर पाते, कुछ और चीजें करते हैं। एनीवे, मैं अपनी बात रख लेता हूँ। देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा कि एमसीसी का वायलेशन है, मैं पूछ अब नहीं रोकेंगे। बैंकॉक कहां से आ गया अनुराग मुस्कान जी, या भद्र टिप्पणी का मैं विरोध करता हूं। अरे लेकिन आपके मुंह में नहीं जाना, जाना अभद्र कैसे हो गया? बैंकॉक जाने का क्या मतलब है? एक मिनट, किसके लिए कहा गया? बैंकॉक जाना अभद्र कैसे हो गया, मुझे ये समझाइए। बैंकॉक में क्या होता है सर? बैंकॉक जाना अभद्र क्यों हो गया? क्या हुआ है बैंकॉक के लिए, क्या कहा गया? बैंकॉक का परिप्रेक्ष्य, बैंकॉक जाएंगे ये बोला गया, इसमें अभद्र क्या हो गया? बताइए ना जरा, बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? मोदी मीडिया ने ठान रखा कि जो मर्जी बोल देंगे। गजब है यार, बैंकॉक जाने में अभद्र क्या हो गया? आलोक शर्मा को रोकेंगे आप? नहीं नहीं, आप नहीं, अगर आपको ऐसा ऐसे डिबेट करना है तो आप कर ले रहे हैं आलोक शर्मा जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बैंकॉक जाना गलत बात है क्या? या राहुल गांधी बैंकॉक गए नहीं है, क्या दिक्कत क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता, अरे भाई अब राहुल गांधी का नाम किसने लिया? मैंने लिया। क्या बुराई है बैंकॉक गए नहीं क्या राहुल जी? राहुल जी बैंकॉक नहीं गए क्या? एक मिनट आलोक शर्मा जी से ही बात कर लेते हैं। अरे बताइए, राहुल गांधी बैंकॉक नहीं गए क्या? और बैंकॉक जाना गलत है क्या? आपने बैंकॉक पर आपत्ति क्यों की? किस बात पर आपत्ति? शहजाद पूनावाला ने यही तो कहा था कि आप जाए बैंकॉक, जाइए, हम मेडिटेशन करेंगे। बैंकॉक पे आप भड़क क्यों गए आलोक शर्मा? सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, क्योंकि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की और आपने नहीं रोका, क्योंकि आप गोदी मीडिया पे ठीक नहीं हो रहा अनुराग जी, अब सवाल कर रहे हैं आलोक शर्मा जी। अच्छा मेरा निवेदन, अच्छा सुनिए सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए आलोक शर्मा जी, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ ताल ठोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बाकी जगह आप इंटरप्ट करते होंगे, यहाँ ऐसा करिए कि कागज पर नोट कर लीजिए शहजाद पूनावाला की कौन कौन सी बात आपको बुरी लगती है। वापस आऊंगा, काउंटर कीजिएगा, शहजाद पूनावाला ने वही किया है, वो लिख रहे थे आपकी सारी बात। ठीक है, आप इंटरप्शन मत करिएगा, इंटरप्शन मत करिएगा। गजब है भाई आप, नहीं नहीं गजब नहीं है, गजब नहीं है, यही परंपरा है। क्या बीच में न टोके और अपनी बारी आने पर बोले, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, उन्हें बोल लेने दीजिए। गोदी मीडिया कहा जाता है, ठीक है? मैं आपके कहने से नहीं होता सर। आलोक शर्मा जैसे लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि ये लोग जो मन हो वही बोल ले। ये लोग चाहते हैं नेगेटिव सवाल किया जाए, और जब कोई अच्छा सवाल कर देता है तो ये लोग ऐसे ही बौखला जाते हैं हमेशा हर डिबेट में, और फिर हर जगह अपनी ऐसे ही बेइज्जती कराते हैं जैसा कि ये अभी कर रहा था खुद का। सच्चाई ये है, ये लोग मानेंगे नहीं, पर सच यही है कि ये लोग खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस जीते, इसलिए ऐसा हर जगह ऐसा ऐसा काम करते हैं ये लोग, जिस वजह से लोगों की नजर में ये लोग गिर जाए। फिर यही लोग कहते हैं कि इन्हें वोट क्यों नहीं मिलता, यही इलेक्शन रहेगा तो कौन इन्हें वोट देने आएगा? हर किसी के बीच में बोलने का का आदत तब आम सा हो गया है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।